हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे, अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं और व्हाट्सएप से आपका कोई यहाँ पर चैट डिलीट हो जाता है। जी हाँ, पर्सनल आप किसी से चैट कर रहे हैं और आपका चैट यहाँ पर डिलीट हो जाता है और फिर आप सोचते हैं उस चैट में क्या था, वो आप दोबारा चैट उसको लाना चाहते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगा कैसे आप अपने डिलीटेड चैट को यहाँ पर रिकवर कर सकते हैं। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊँगा कैसे आप अपने डिलीटेड चैट को रिकवर कर सकते हैं विदाउट बैकअप। जी हाँ, अगर आपके पास गूगल ड्राइव का बैकअप नहीं है तब भी आपने यहाँ पर व्हाट्सएप के चैट को आप रिकवर कर सकते हैं। तो वीडियो फ्रेंड्स बने रहिएगा, वीडियो आपको स्किप जरा भी नहीं करना है। अगर आपको अपना यहां पर डिलीटेड चैट वापस लाना है तो वीडियो फ्रेंड्स बने रहिएगा, स्किप जरा भी नहीं करना है। डिलीटेड चैट्स को, पर्सनल डिलीटेड चैट्स को वापस लेकर आना है। तो यहां पर वीडियो फ्रेंड्स आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा, पहले आप देखिएगा उस एग्जांपल को और उसके बाद मैं आपको बताऊं कैसे आपको रिकवर करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, पहली बार हमारे चैनल बिजटेक पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को यहाँ पर लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे रिलेटेड आपको कंटेंट देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अपने जो है मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ और यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप है। अगर मैं मान लो इस व्हाट्सएप को ओपन करता हूँ और यहाँ पर इस चैट को मैं ले लेता हूँ, इस चैट के अंदर देख सकते हैं यहाँ पर एक फोटोज है, एक मीडिया है और साथ में यहाँ पर चैट्स वगैरह भी हैं। तो अगर मान लीजिए मैं इस मीडिया को डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ इस तरह से, और आप इसको दोबारा लाना चाहता हूँ तो कैसे लेकर आऊँगा, या मैं इस पूरे चैट्स को यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, लॉन्ग प्रेस करेंगे और इस चैट को यहाँ पर डिलीट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये चैट पूरा डिलीट हो चुका है। अब इस चैट को मैं यहाँ पर रिकवर करूँगा तो इसके पहले आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर स्टेप करने होंगे। जैसे कि आपको क्या करना होगा, आपके फ़ोन में जो आपका मीडिया होता है उसको यहाँ पर चेक करना है। जी, आपको अपना फ़ोन का जो मीडिया होता है उसको चेक करना है और उस मीडिया को यहाँ पर कुछ इस तरह से जो है आपका इंटरफेस खुलेगा, ये आपके इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगा। आपको अपने इंटरनल स्टोरेज को ओपन करना है, यहाँ पर आपको एक एंड्रॉयड ऑप्शन मिल जाएगा, इस एंड्रॉयड ऑप्शन को आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मीडिया पे क्लिक कर देना है। मीडिया पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको एक यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा com.whatsapp। जी हाँ, व्हाट्सएप का जितना भी डेटा होता है अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये उसके डेटा यहाँ पर सेव होता रहता है। यहाँ देख सकते हैं बैकअप्स या डेटा बेसेज, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको अलग अलग डेटा बेसेज देखने को मिल रहा है। तो आपको इसको कॉपी करना है, तो आपको इन डेटा बेसेज कॉपी ना करके आपको बैक आना है और बैक आके फ्रेंड्स आपको क्या करना है, पूरा इसको यहाँ पे com.whatsapp को कॉपी कर लेना है। यहाँ पे इस तरह लॉन्ग प्रेस करेंगे और उसके बाद थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मूव का ऑप्शन आएगा या कॉपी करने का ऑप्शन आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने जो कॉपी किया हुआ उसको लाके यहाँ पर पेस्ट करना है। तो यहाँ पर कहीं भी आप पेस्ट कर सकते हैं, मान लो मैं यहाँ पर नॉर्मल ही पेस्ट कर देता हूँ, इंटरनल स्टोरेज में देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे ही मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर ये जो है कॉपी हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज में कॉपी हो जा रहा है। जी हाँ, ये आपको जो डेटा बेसेज है, जो आपका मीडिया फाइल है उसको यहाँ पर केवल कॉपी कर देना है। तो यहाँ पर जब आपका कॉपी हो जाएगा फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर बैक आना है और इसे पूरा क्लियर कर देना है। क्लियर करने में फ्रेंड्स आपको अपने व्हाट्सएप में जाना है या अपने यहाँ पर सेटिंग्स में जा सकते हैं। और सेटिंग में जाएंगे फ्रेंड्स, आपको ऐप में जाना है और ऐप में क्या करना है, अपना व्हाट्सएप यहाँ पर चेक करना है। व्हाट्सएप पर क्लिक करेंगे और व्हाट्सएप को क्या करना है, यहाँ पर अनइंस्टॉल कर देना है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अनइंस्टॉल कर देना है। यहाँ जैसे आप अनइंस्टॉल करेंगे ये पूरे तरह से यहाँ पर आपका व्हाट्सएप जो है डिलीट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नया सा व्हाट्सएप यहाँ पर जो है डाउनलोड करेंगे, अपने प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद व्हाट्सएप सर्च करेंगे और व्हाट्सएप यहाँ पर सर्च करने के बाद इसको डाउनलोड करेंगे और यहाँ देख सकते हैं ये व्हाट्सएप है और यहाँ पर व्हाट्सएप मैसेंजर को मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। जब तक डाउनलोड होता है फ्रेंड्स, तब तक हमारी वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर आपका व्हाट्सएप जब डाउनलोड हो जाएगा आपको ओपन करना है। अब ओपन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर एक स्टेप आपको चूज करना है, वो स्टेप क्या करना है, पर बैक आना है और बैक आने के बाद आपको अपने मीडिया फाइल में जाना है। जी हाँ, फिर से आपको वही इंटरनल स्टोरेज, वही फाइल्स आपको जाना है। इंटरनल स्टोरेज में जाएंगे, अब यहाँ पर देख सकते हैं इंटरनल स्टोरेज पर क्लिक करेंगे और इंटरनल स्टोरेज जैसे आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर नीचे तरफ आप चेक करिए, जो आपने com.com यहाँ पर व्हाट्सएप जो है आपने कॉपी किया था, इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे और इसको क्या करेंगे, यहाँ पर थ्री डॉट्स पे कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद आपको स्टोरेज में जाना है, इंटरनेट में जाना है और इंटरनेट में एंड्रॉयड में जाना है और यहाँ एंड्रॉयड में आपको मीडिया फाइल में जाना है। अब यहाँ पर जो whatsapp.com है इसको यहाँ पर कॉपी हियर पर क्लिक कर देना है और ये कॉपी हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कॉपी हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉपी हो जाने के बाद आपको एंड्रॉइड में चेक करना है, फिर से मीडिया में जाना है और यहाँ com.whatsapp जो सिंगल वाला है, फर्स्ट वाला है, उसको क्या करना है, यहाँ पर डिलीट कर देना है क्योंकि इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है। तो यहाँ पर इसको कर देना है आपको डिलीट, मैं यहाँ पर कर देता हूँ यहाँ पर परमानेंटली डिलीट, ये हो जाएगा परमानेंटली डिलीट। अब व्हाट्सएप पे क्या करना है, बैक आना है और इसको पूरा क्लियर कर देना है। व्हाट्सएप पे आना है और व्हाट्सएप को यहाँ पर फिर से आपको लॉगिन करना है, इस तरह से यहाँ पर आएंगे। अब आपको अपने व्हाट्सएप में जाना है, व्हाट्सएप में जाने के बाद यहाँ पर आपको लैंग्वेज चूज कर लेना है। लैंग्वेज चूज करने के बाद आपको जैसे व्हाट्सएप यहाँ पर न्यू आता है वैसे आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा और आपको अपना यहाँ पर नंबर डालना है।
तो मैं यहाँ पर अपना नंबर डाल के यहाँ पर लॉगिन कर देता हूँ। क्लिक कर दिए फ्रेंड्स, आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जी हाँ, इसको अलाउ पे क्लिक कर देना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और ये आपका नाम आ जाएगा और यहाँ पर आपका बैकअप जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑलरेडी मेरा बैकअप है गूगल ड्राइव, और उसके अंदर भी यहाँ पर जो मीडिया फाइल था जिसके अंदर मेरा बैकअप था उस पर मैं रिस्टोर पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर 45 MB के जो बैकअप है वो यहाँ पर दिख जा रहा है और वही बैकअप मैंने वहाँ भी था, वही बैकअप मैं यहाँ पर ला कर ट्रांसफ़र कर दिया हूँ। अब यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है और आपका जो मैसेज है वो यहाँ पर रिस्टोर हो जाएगा इस तरह से। यहाँ देख सकते हैं मेरा मैसेज जो है वो रिकवर हो चुका है। यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेम पे अपना नेम जो भी है उसका नेम अपना लिख देंगे, उसके बाद इंस्टॉलेशन पे होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं रिस्टोरिंग मीडिया हो रहा है और मैं यहाँ पर उस जो है चैट को दिखा देता हूँ, जिस चैट को मैंने आपको दिखाया था डिलीट करके, और उस चैट को दिखाएंगे यहाँ पर और वो आपको चैट का मैसेज भी दिखा देंगे। फिर से यहाँ पर देखिए रिस्टोरिंग मीडिया हो रहा है, जो मैंने मीडिया डाला हुआ था वहाँ पर रिस्टोर कर रहा है, और साथ में उस चैट पर भी क्लिक करता हूँ जिस चैट पर मैंने यहाँ पर लॉगिन किया हुआ था। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो लॉगिन है वो यहाँ पर दिख जा रहा है और इस मीडिया भी दिख जा रही है जो मैं यहाँ पर डिलीट किया हुआ था। तो इस तरह से आपने डिलीटेड चैट्स को, पर्सनल डिलीटेड चैट्स को वापस ला सकते हैं कुछ ही इस तरह से। और आपको फ्रेंड्स मैं यहाँ पर बता देना चाहूँगा यहाँ पर कि आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग जाने के बाद आपको कुछ बेसिक सेटिंग्स करनी होगी, चैट्स में जाना है और चैट्स में जाने के बाद फ्रेंड्स आपको चैट बैकअप में जाना है और ये आपका जो गूगल ड्राइव का बैकअप होगा इसको नेवर पर क्लिक कर देना है, क्योंकि गूगल ड्राइव से कोई मैटर यहाँ पर नहीं करता है। अगर आप चाहेंगे मीडिया फाइल से भी आप अपने WhatsApp के बैकअप को रिकवर कर सकते हैं। इस तरह से आप डिलीटेड चैट्स को आप यहां पर रिकवर कर सकते हैं मिनटों में। वीडियो आपको आसान लगा है फ्रेंड्स, वीडियो से कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली है और आपका WhatsApp रिकवर हो जाता है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।